पहले तो इसी ने नेट चलवाया, आज नेट नहीं चल रहा, इसी ने फोन कर करके अब देखो कैसे कर रही है, थप्पड़ मारेंगे मैं, ये आज मार खाएगी जस्सी मेरे से, देखो कैसे कर रही है। ठंडे पानी से नहीं नहाना बाबू, ठंडे पानी से नहीं नहाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज भी मैंने ब्लॉग ऐसे स्टार्ट किया क्योंकि सुबह का ना मेरे पास थोड़ा टाइम था, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा भी चले ऐसे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो कपड़े धो लूँ मैं आपको से आज, क्योंकि मशीन का बोल रही है ना पूरा दिन काम खिंडा रहता है, मशीन से ना पूरा दिन काम खिंडा रहता है यार, तो फिर इसलिए ना मैंने सोचा थोड़े से कपड़े हाथों से धो दें, और ये जसनूर मेरे को धोने दे रही, इसको बुखार, ओए ठंडे पानी में नहीं गर्म पानी में नहावांगी, ये देखो करी मैं ठंडे पानी से, अभी इसको ना बुखार वाली दवाई दी है मैंने, क्योंकि इसके इंजेक्शन लगा हुआ है ना, तो इसको बुखार हो गया था, तो ये करी मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी, इतना भी ठंडा नहीं है, तो मैं धो रही हूँ, ये देखो मैंने पहले तो धो लिया सारी चप्पलें वाली, सारी देते रुते वाली जो रुते चप्पल जी मैंने धो लिया सारी, बुछ से अब दूंगी मैं कपड़े, और जशनूर धो रहे हैं कपड़े जी मम्मी ना, पहले तो इसी ने नेट चलवाया, आज नेट नहीं चल रहा, इसी ने फोन कर करके कर दिया, अब देखो कैसे कर रही है, थप्पड़ मारेंगे मैं, ये आज मार खाएगी जस्सी मेरे से, देखो कैसे कर रही है। ठंडे पानी से नहीं नहाना बाबू, ठंडे पानी से नहीं नहाना, हाँ फिर नहा देनी है, कपड़े धो गए पहले, कपड़े धोए बिच नहीं बहना, ठंडे पानी धोने धोना, ये देखो मेरे को कपड़े नहीं धोने दे रही यार, ठंडा है पानी ये देखो ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है ये, हाँ जस्सू ठंडे पानी में नहीं बैठना, देखो कैसे जिद कर रही है भाई, ये देखो आज स्कूल नहीं गई, मैंने सोचा इसको बुखार है इसलिए तुमने इसको स्कूल ही भेज देती तो बढ़िया थी, कपड़े नहीं धोने दे रही मेरे को, ये देखो कैसे कर रही है, कराओ नहीं जो पानी गर्म लेके आओ पहले जस्सू के पास, पर आज पैप तो थप्पड़ कौन खाएगा शरारत आप कर रहे हो, थप्पड़ आप ही खाओगे, देखो कितनी जिद कर रही है ये मेरे को, ला बाल्टी पक के तुम्हें नहीं बहना, देखो इसके बारिश हो गई, बारिश हो रही है तो ठंडा है पानी, बारिश में कपड़े सूखेंगे नहीं, मम्मी बैठना ये मेरे को काम नहीं, ओए ये बाल्टी में बैठ रही है देखो कैसे, नहीं अबड़ भाई नहीं इसने देखो, चलो चुंडियां करूँ आपकी,
ये बना रहे हैं जी आप दाल। रात ज़्यादा हो गई थी तो सब्जी थोड़ी लेट आएगी भाई, इसलिए फिर मैंने तो यही जुगाड़ लगाया दाल ही सही है। हरी भरी बना रहे हैं जी दाल और हरी मिर्च डाल के बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगी। पहले उबाल लेते हैं नहीं तो ये दो दिन तक ही नहीं बनेगी। यहाँ देखो भी मैं नारी दाल अपनी दाल बन चुकी है इधर तो अब बना रहे जी आप लगा रहे हैं तड़का। ये डाल दी मैंने हींग क्योंकि शाम के टाइम ना दाल थोड़ी हो जाता है तो अभी बनाई है अपने हरी मिर्चों वाली दाल बनाई थी क्योंकि दूसरी वाली दाल ना मेरे को जो आप लाल मिर्चे डाल के ना उनकी दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखो मैंने हरी मिर्च उसको अच्छी तरह रख रखा फिर मैंने दाल बनाएंगे। ये देखिए इसमें एक बार नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक पता नहीं कितना है कैसे मैंने डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची डालेंगे जिसमें मैंने थोड़ी सी लहसुन भी डाली तो कितने डाले हैं तो बहुत ज़्यादा कड़ गई है यार ये ओ हो कर गई दाल को मैंने 10 ही मिनट रखा था। देखो 10 मिनट में दाल कैसे हो गए। अब थोड़ी सी ना इसको वो कर देंगे ये ज्यादा पतली है दस मिनट में दाल बना दी मैंने 10 मिनट में करके रखे हुई है रख के बाबू इसनूर रख के ठीक है नहीं करते करती मैंने 10 मिनट में रेडी दाल और इतनी टेस्टी बनी होगी जी। दाल बनाई अब धो लूं कपड़े।
क्या हो गया